जीनियस, ये शब्द सुनते ही हमें दुनिया के मशहूर और महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन याद आते हैं। 14 मार्च अल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखते रहे आप सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन के बारे में 26 ऐसी बातें जानोगे जो आपको सच में हैरान कर देंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को जिंदगी में 3 बार प्यार हुआ था। आइंस्टाइन जब स्विस में पढ़ने गए थे तब वो उनके प्रोफेसर जोस्ट विंटलर के घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते थे। प्रोफेसर की बेटी मेरी विंटलर, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन से लगभग 1 साल बड़ी थी, उससे आइंस्टाइन को पहला प्यार हुआ था। लेकिन आइंस्टाइन का ये पहला प्यार अधूरा रहा। आइंस्टाइन और मेरी शादी नहीं कर पाए। आइंस्टाइन ने आगे जाके ज्यूरिख पॉलिटेक्निक टीचिंग डिप्लोमा को एडमिशन ले लिया। क्लास में मिलेवा मैरिक नाम की सिर्फ 1 लड़की थी। आइंस्टाइन और मिलेवा कॉलेज में अच्छे दोस्त बने। हालांकि मिलेवा दिखने में इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, फिर भी मिलेवा वो दूसरी लड़की थी जिससे आइंस्टाइन को प्यार हो गया था। घर वालों के कड़े विरोध के बावजूद आइंस्टाइन और मिलेवा ने शादी की थी। शादी के लगभग 10-12 सालों बाद आइंस्टाइन को उनकी कजिन एल्सा नोवेंथल के साथ तीसरी और आखिरी बार प्यार हो गया था। 1919 में आइंस्टाइन ने अपनी पहली बीबी मिलेवा को तलाक देके एल्सा के साथ दूसरी शादी की थी। नंबर टू, मिलेवा ने तलाक देने से पहले आइंस्टाइन के सामने एक शर्त रखी थी। इस शर्त के मुताबिक आइंस्टाइन को उनको मिलने वाले नोबेल प्राइज की पूरी रकम मिलेवा को देनी थी। आइंस्टाइन ने यह शर्त मान ली। 1921 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला, तब शर्त के मुताबिक नोबेल प्राइज की पूरी रकम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलेवा को दे दी थी। नंबर तीन, जू होने के कारण हिटलर आइंस्टाइन को मारना चाहता था। उसने आइंस्टाइन के ऊपर $5,000 का इनाम रखा था और आइंस्टाइन की किताबों को जला भी दिया था, लेकिन आइंस्टाइन हिटलर से बच के अमेरिका जाने में कामयाब हो गए थे। नंबर चार, आइंस्टाइन को शादी से पहले मिलेवा से एक लड़की हुई थी। उस वक्त मिलेवा उनके माता पिता के घर में थी। आइंस्टाइन अपनी बेटी का चेहरा कभी भी नहीं देख पाए। कहा यह जाता है या तो उस लड़की को एडॉप्शन के लिए दिया था या तो वो मर गई थी। नंबर पाँच, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी 2 सालों तक अल्बर्ट आइंस्टाइन जॉब पाने के लिए तरसते रहे। आइंस्टाइन के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब पैसे कमाने के लिए वो इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए भी तैयार हो गए थे। नंबर छः, 2 सालों की स्ट्रगल के बाद आइंस्टाइन को पेटेंट ऑफिस में असिस्टेंट एग्जामिनर की जॉब मिली। पेटेंट ऑफिस का काम जल्द खत्म करके अल्बर्ट ब्रह्मांड के रहस्यों के ऊपर सोचते रहते थे। लोग उन्हें दिन के सपने कहते थे, वही अल्बर्ट इन्हें थॉट एक्सपेरिमेंट्स कहते थे। नंबर सात, आइंस्टाइन को लगता था कि दुनिया रहस्यों से भरी है और उन्हें इन रहस्यों को सुलझाना है। आइंस्टाइन एक ऐसा छोटा इक्वेशन बनाना चाहते थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा सके। नंबर आठ, आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट्स में बहुत बिजी रहते थे। उन्हें अपने दिमाग को किसी अन्य चीज के लिए इस्तेमाल करना जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वो सॉक्स नहीं पहनते थे। यहाँ तक कपड़े, शेविंग और नहाने के लिए एक ही सोप का इस्तेमाल करते थे। उनके बाल कपड़े हमेशा बिखरे हुए रहते थे। नंबर नौ, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 पेपर पब्लिश किए थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी एंड इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, जिन्होंने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि अब तक जो टाइम, स्पेस और मैटर के बारे में सब मानते थे वो सब गलत था, और मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ आइंस्टाइन ने इसे साबित भी किया था। बड़े बड़े साइंटिस्ट अपने पूरे करियर में 4-5 चीज़ें ही डिस्कवर कर पाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने 1 साल में ही इतनी चीज़ें करके दिखाई थी। इन पेपर्स ने अल्बर्ट की लाइफ को 26 साल की उम्र में ही बदल दिया था। नंबर 10, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के कई रहस्य सुलझाए,
लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी लैबोरेटरी में काम नहीं किया। सिर्फ अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से आइंस्टाइन ने 300 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए। आइंस्टाइन का दिमाग ही उनकी प्रयोगशाला थी और फाउंटेन पेन उनका उपकरण था। नंबर 11। इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी आइंस्टाइन को कार ड्राइविंग नहीं आती थी। उन्हें समंदर यात्रा बेहद पसंद थी लेकिन तैरना नहीं आता था। नंबर 12। आइंस्टाइन को सिगार पीना इतना पसंद था कि वो जिस कमरे में रिसर्च करते थे उसमें हमेशा सिगरेट और कॉफ़ी की स्मेल आती थी। नंबर 13। अमेरिका के टाइम्स मैगजीन ने 1999 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी 20वीं सदी का सबसे महान इंसान एक करार दिया था। नंबर 14। आइंस्टाइन जब मशहूर हो गए थे तब दुनिया भर से उन्हें स्पीच देने के लिए निमंत्रण आने लगे, लेकिन इतने मशहूर होने के बाद भी आइंस्टाइन अपने कपड़े और बालों का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते थे। उनके कपड़े और बाल हमेशा बिखरे रहते थे। आइंस्टाइन की दूसरी पत्नी एल्सा आइंस्टाइन का अच्छा ख्याल रखती थी। वो आइंस्टाइन को उनके कपड़े इस्त्री करके एक बैग में देती थी, लेकिन आइंस्टाइन जब वापस आते तो एल्सा को पता चलता कि आइंस्टाइन ने तो बैग खोला ही नहीं है। नंबर 15। कहा यह जाता है कि आइंस्टाइन अपना ऑटोग्राफ देने के लिए लोगों से $5 चार्ज करते थे और स्पीच देने के लिए $1,000, और इन सभी पैसों की वो चैरिटी करते थे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी बचे रोचक तथ्यों के लिए आपको इस वीडियो का अगला पार्ट देखना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए, सीखते रहिए।